सैफ भाई आप एक्टिंग की टेंशन बिल्कुल मत लो, आपका तो VFX इतना घटिया कराऊंगा कि सारी गाली उसे पड़ेंगी, आप पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। और देखो डायलॉग में एकदम क्रिंज रखने वाला हूँ, एकदम मीम्स के रेफरेंसेज, मॉडर्न डे स्लैंग्स, चार लोग ये फिल्म के डायलॉग सुन के बोलेंगे कि चलो भाई कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं हिंदुइज्म से अदर रिलीजन में। हाँ लक्ष्मण जी के कैरेक्टर के लिए वो लड़का फाइनल कर दिया, सोनू के टीटू की स्वीटी वाला। अरे आदि पुरुष टाइटल सुन के पहले तो मना कर रहा था करने से, फिर मैंने कहा मेरे भाई फिल्म का नाम बदल रहा हूँ, मैं नाम रख रहा हूँ सीता के राम के लक्ष्मण, तुरंत हाँ कर दी उसने। और मेकअप दादा आपको सबका हेयर एंड बियर्ड ऐसा करना है कि लगे वो 2023 के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एकदम शार्प बियर्ड, फेडेड बाल, बंदे देख के ये बोलें कि भाई लॉरियल पेरिस का नहीं लॉरियल कोलंबो का ब्रांड है, लंका सोने की होना हो हेयर सलून की ज़रूर होनी चाहिए। नहीं नहीं सही है, इंद्रजीत का ये लुक बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है कि बेल्ट खरीदने पालिका बाजार में गया था, वहाँ से उन्होंने पकड़ लिया वो होते नहीं, एक्सक्यूज मी ब्रदर टैडू, ब्रदर टैडू, लग रहा है कि उनके जाल पाश में फंस गया था तो वहाँ से निकल के आया सीधा युद्ध लड़ने, अच्छा लग रहा है इस पे। नहीं नहीं सर देखो विभीषण का ये जो पूरा कॉरपोरेट लुक लग रहा है ना, इसके लिए जस्टिफिकेशन है मेरे पास। आप ये मान के चलिए कि भाई विभीषण को क्लियर था कि रावण के रहते हुए राजा तो मैं बन नहीं सकता, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़की नहीं मानी के मांगे हेते वाली, उसका मैनेजर लग रहा है सोशल मीडिया का, वो लुक है इसका। प्रभास भाई आपको भी ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पोस्ट पर इतना अंधेरा कर दूंगा देखने वालों को तो लगेगा कि DC की फिल्म बनी है और आपकी कमियाँ भी छुप जाएंगी।